बंदी पर नीतीश की चेतावनी के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि अधिकारियों और पुलिस वालों को इस नियत से काम करना होगा कि न राज्य में शराब आएगी और न ही यहां के लोग शराब पिएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री की इस चेतावनी का असर दिखने भी लगा। पटना के मोकामा में पुलिस ने गंगा किनारे बनी अवैध शराब की भट्टी पर छापा मारा और शराब से भरे ड्रम जला डाले। पुलिस वाहन नाव से पहुंची, उसने शराब की बोरियां और ड्रम नाव में डाले और जो नहीं डाल पाए उन्हें खोला गया और उनमें भरी शराब जमीन पर उड़ेल दी गई। मोकामा में जितनी देर पुलिस की छापेमारी हुई पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। नीतीश कुमार ने चेतावनी दी है कि शराबबंदी के नियम नहीं माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। स्कूलों के शुरू होते ही कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। स्कूलों में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक स्कूल की 53 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि ओडिशा के ही संबलपुर में MBBS के 22 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ही स्कूल की 53 छात्राओं को कोरोना होने के बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित सभी छात्राओं को क्वारंटीन कर दिया गया है, उनके इलाज के लिए इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत ठीक है। वहीं संक्रमित पाई गई लड़कियां 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। वहीं 22 MBBS छात्रों को कोरोना अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। और ओडिशा ही नहीं बल्कि जयपुर से भी डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के एक स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब तक 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्कूल में डे बोर्डिंग होने की वजह से बच्चों की लगातार जांच की जा रही है। इसी दौरान 11वीं का एक छात्र पॉजिटिव मिला। ये छात्र मुंबई का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही मुंबई से लौटा था, जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाले दूसरे बच्चों की जांच की गई, जिनमें 11 और बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार को कमजोर बता दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले का जिक्र कर उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर बताया तो इस पर सियासत गर्मा गई। अपनी नई किताब में मनीष तिवारी ने लिखा कि निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने वाले देश को इसका कोई पछतावा नहीं होता और इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। किताब पर विवाद सामने आया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हालांकि इस विवाद की वजह से मुसीबत में फंसी कांग्रेस ने अपने नेता के लगाए आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथपीस नहीं है, वो अपना लिखा हुआ अपनी किताब है, तो ये अपनी किताब में वो क्या लिखा वो जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उनकी पार्टी JDU सुबह से पटना समेत 40 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में नीतीश सरकार के पिछले 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी ट्वीट को बिना चेक किए शेयर किया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव को उन्हीं की पार्टी के विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने इशारों इशारों में बाहरी बोल दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बिप्लब देव को पैराट्रूपर कहा और आरोप लगाया कि वो त्रिपुरा की संस्कृति नहीं जानते। पैराट्रूपर लीडर जो जिसका त्रिपुरा के बारे में अंदाजा ही नहीं है, त्रिपुरा का संस्कृति कृष्टि क्या है। बीजेपी विधायक ने जैसे ही ये बयान दिया TMC ने तंज कस दिया। तो हम उनके जो बात है उनको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि वो पोल खोल दिया है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के समापन पर मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से जुड़ा बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि महुआ से बनी शराब को कानूनी बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान आदिवासियों को रिझाने के लिए किया। यही नहीं, इस कार्यक्रम में शिवराज आदिवासियों के रंग में नगरे नजर आए और ढोल बजाते हुए उनके साथ थिरके।
सर पर आदिवासियों की टोपी पहने शिवराज सिंह चौहान ढोल बजाते हुए ऐसे झूमे मानो वो खुद आदिवासी समुदाय का हिस्सा हों। मंडला में हुए जनजातीय गौरव दिवस के आखिरी दिन सीएम का ये अंदाज एक बार नहीं बल्कि कई बार दिखा। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम 5 नवंबर को भोपाल से शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम में पीएम भी शामिल हुए थे। यही नहीं, राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के नाम पर कई जगहों के नाम रखने का फैसला किया, जिसे कांग्रेस ने सियासी चाल माना। आदिवासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे, सिर्फ नाम का। जिसके जवाब में बीजेपी ने परिवारवाद की बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को तो चाहिए केवल नेहरू परिवार आ जाए, नाम रख दो जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी। आदिवासियों से जुड़े बड़े ऐलान को बीजेपी का आदिवासी कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि